गाइस कि आपके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपको गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस है, सर्दियां होते ही आपके मांसपेशियों में दर्द और सूजन बढ़ने लगता है, तो आज का मेरा ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। क्योंकि अगर आपको ये सारी तकलीफें हो रही हैं, तो पहले इस बारे में जान लेते हैं कि इसका रीजन क्या है। ये रीजन है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन ढंग से पहुंच नहीं रहा है, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल जो है वो बिगड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि अगर आपने घी लेना बंद कर दिया है तो भी ये बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आजकल की मॉडर्निटी में आकर हम बहुत तरह के डाइट प्लान फॉलो करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम घी और ये सब जो बटर्स होते हैं इनको कट ऑफ कर देते हैं। हर चीज को अगर क्वांटिटी पे लिया जाए तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आपको पता है कि जब आप घी लेना बंद कर देते हैं या अपनी बॉडी में कोई भी चिकनाहट वाली चीज आप एड ऑन नहीं करते हैं, तो आपके घुटनों में लुब्रिकेंट की प्रॉब्लम होने लगती है, कम होने लगता है, जिससे कि आपके हड्डियों में आपस में घर्षण बहुत ज्यादा होता है, और जब घर्षण होता है तो धीरे धीरे वहाँ की हड्डियाँ कमजोर होती हैं, चटकने लगती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे दर्द और सूजन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, और ये लॉन्ग रन में जाकर गठिया और अर्थराइटिस का रूप ले लेती है, जिसके लिए आप बहुत तरह के महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो। क्योंकि जहाँ आपने ट्रीटमेंट एंड करे वहीं आपका पेन दोबारा से वहीं पहुंच जाता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी बताने वाली हूँ, एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जो आपको थोड़े से स्पेस में फॉलो करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक मैट की जरूरत है, आप कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए, घर पे भी अगर हो सके तो पार्क में जाके इन एक्सरसाइजेस को करें खुली हवा में, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप बहुत बेटर फील करेंगे। देन उसके बाद में आपने इस तरीके से मैट के कॉर्नर में बैठ जाना है, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है, हाथों को अपने पीछे बैक साइड पे प्लेस कर लेना है। देन उसके बाद में आपने अपने पैरों के पंचों को यानी पैरों की उंगलियों को इस तरीके से फ्रंट पे लेके जाना है, डाउन साइड देन अप साइड। आप देख रहे हो मेरे फिंगर्स का जो फेस है मेरे फेस की साइड है, देन फिर मैं डाउन लेके जा रही हूँ। कितनी बार करेंगे इस बात पे ध्यान दे लेते हैं, इसको हम कम से कम 10 दफा रिपीट करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अपनी बॉडी को बिल्कुल हिलाना डुलाना बंद कर देते हैं। आजकल की मॉडर्निटी में आके हम सब कुछ इंडोर, हमने अपने आप को लॉक कर लिया है, इंडोर हमने अपने आप को बिल्कुल लॉक कर लिया है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता पूरे शरीर में, खून का दौरा रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप ये डेली एक्टिविटी करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ओके, रिलैक्स। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसके लिए आपको अपने पूरे पैरों को इस तरीके से रोटेट करना है क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों के नीचे अपने हैंड को प्लेस करना है और अपने लेग को इस तरीके से अंदर की साइड प्रेस करना है, देन उसके बाद आपने ओपन कर लेना है। इसको हम करेंगे 10 times राइट साइड और 10 times हम करेंगे लेफ्ट साइड। बिल्कुल आपने अंदर अच्छे से प्रेस करना है, देन ओपन करना है। इससे पूरा जो रोटेशन है, पूरा जो वर्क हो रहा है आपके घुटने पर हो रहा है, पिंडलियों पर हो रहा है, तो बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके ओवरऑल लेग को इससे मिल रहा है। सेम अदर साइड। रिलैक्स। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपने पहले लेग्स को रखना है, देन इसको 1 by 1 अपसाइड लेके जाना है, किस तरीके से बिल्कुल स्लो मोशन में डाउन अगेन अप डाउन। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप अपने लेग्स के नीचे पिलो भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, लेग्स के नीचे मतलब यहाँ आपने घुटनों के नीचे प्लेस करना है पिलो को। 10 times हम करेंगे राइट साइड, 10 times हम करेंगे लेफ्ट साइड। Come on.
रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, तो इसमें हम अपने शोल्डर्स और अपने अपर बॉडी को एंगेज करेंगे, राइट। तो इसके लिए आप अपने हैंड्स को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, हल्का सा बेंड हो जाएंगे और उसके बाद में आपने इस तरीके से अपने हैंड्स को रोटेट करना है। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आपकी लेग्स एंगेज नहीं हो रही हैं, लेकिन स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट से आपका पूरा खिंचाव आपको आपके टांगों में मिल रहा है। लेकिन जब इस तरीके से हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारा पूरा कंधा, हमारे बाजुएं, हमारे शोल्डर, ये अपर बॉडी बहुत अच्छे से एंगेज हो रहा है, जिससे कि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हम करेंगे at least 20 times, not more than. अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने फिंगर्स को एंगेज करेंगे, यानी अपनी हथेली को। उसके लिए आपको इस तरीके से पहले सुखासन में बैठ जाना है, या आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हैं वैसे बैठ सकते हैं। देन उसके बाद में आपने अपनी बैक को तो हर चीज़ में स्ट्रेट रखना है। देन अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से फ्रंट में लेकर आना है। देन उसके बाद हमें स्क्वीज करना है, यानी इस तरीके से पंच बनाना है। देन ओपन करना है, इससे आपकी पूरी फिंगर एंगेज हो रही है, आपका पूरा हाथ की मसल्स एंगेज हो रही है, जिससे कि वहाँ का ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होगा और आपके पेन्स जो भी हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा हाथ जाम होता है, हाथ के बाद ये नर्व्स हमारी शोल्डर तक जाती हैं, फिर हमें फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगे। इसको हम करेंगे 20 टाइम्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने शोल्डर्स को हम एंगेज करने वाले हैं, तो इस तरीके से आपने अपने दोनों हाथों को खोलना है और उसके बाद में अपने शोल्डर पे टैप करना है, लाइक दिस 10 टाइम्स। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको अगेन हम घुटनों को एंगेज करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पहले सीधा बैठ जाना है, उसके बाद में आपने अपने घुटने को बिल्कुल इस तरीके से ऊपर लेकर जाना है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर प्लेस करना है पहले, देन अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लेकर आना है, देन इसको डाउन फर्श के साथ पूरा प्रेस करके टच करने का ट्राई करना है, अगेन अप अगेन डाउन। इसको हम करेंगे 20 टाइम्स ईच लेग। अदर लेग सेम। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, लास्ट एक्सरसाइज की। इसमें हम अपने कमर को भी एंगेज करेंगे, ताकि आपकी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। आप इस तरीके से अपने आपको साइड पे लेके जाएंगे, देन फिर अदर साइड, पूरा स्ट्रेच हमें इस तरीके से लेना है। ऐसा हम करेंगे 20 टाइम्स ईच साइड। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।
गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।